बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसे खाने से मैदे की जलन और ख़ारिश ख़त्म होती हैं। ताकत को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। अंजीर खाया करो क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। अगर कोई कांटा चुभ जाए या ज़ख्म हो जाए तो मेहंदी का इस्तेमाल करो, इससे ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। निहार मुँह सौंफ वाला कहवा पीने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, इससे मैदे की सफाई हो जाती है। निहार मुँह किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। सुबह निहार मुँह रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमाग की कमज़ोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। पेशाब में जलन होती है तो नाश्ते से एक घंटा कबल अजवाइन का सौंफ पानी के साथ इस्तेमाल करें। जौ और चने का आटा मिलाकर इसकी रोटी बनाकर शुगर वाला मरीज़ खा ले तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर बाल गिरना शुरू हो जाएं तो पान के पत्ते को हफ्ते में 2 बार सर पर मसल लें, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। कद्दू के छिलके ख़ारिश वाली जगह पर लगाने से ख़ारिश ख़त्म हो जाती हैं। जो रात के खाने के 3 घंटे बाद सोता है उसका मैदा ख़राब नहीं होता। सब्ज़ इलायची 100 दाने, काली मिर्च साबित 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम कड़वे ना हो, चने भुने हुए 1 पाव ले लें, नीम के पत्ते धोकर खुश कर लें यानी सुखा लें, इन तमाम चीज़ों का सौंफ बना लें। शाम के वक्त किसी भी टाइम आधे चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको शिफा नसीब होगी। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं बनते। टिंडे की सब्ज़ी खाने से जहनी दबाव ख़त्म होता है। निहार मुँह लस्सी पीने से बाल लंबे होते हैं। तंदूर में रोटी पकाकर खाने से कमर के दर्द में आराम आता है। ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों का दर्द का मसला हो सकता है। अगर लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, लंबे अरसे तक जवान रहना चाहते हो तो हमेशा सादा सी खुराक खाया करो, इससे आप बहुत कम बीमार होंगे और लंबी उम्र पाओगे। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई होगी। निहार मुँह खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती हैं और दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाएँ तो हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिस्म में ताकत बढ़ेगी। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है, पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है और इससे अंदरूनी ज़ख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। रोज़ाना तिलावत करने से आँखों की नज़र तेज़ होती है। रात की रानी का फूल सूंघने से थकावट ख़त्म होती है। कब्ज़ हो जाए तो बकरी के दूध में छोटी इलायची डालकर पी लो। सौंफ की चाय पीने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। पेट में भरने वाली गैस को जल्दी खारिज कर दो वरना याददाश्त पर असर पड़ेगा। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। याद रखिए कलेजी पाए और मग्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कमज़ोर बंदे को कलेजी खिलाया करो, कलेजी खाने से खून की कमी पूरी होती है। खाने के बाद 1 लौंग खा लिया करो, खाना जल्दी हजम होगा, इससे पेट नहीं फूलेगा। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ जाओ वही लोग आपको बहुत जल्दी धोखा भी देते हैं। काजू खाने से जल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन का मसला नहीं होता। अगर आप अपने पौधों के गमलों में लस्सी डाल देंगे तो इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अगर पौधे मुरझा जाते हैं या बड़े नहीं होते तो पानी में चीनी मिलाकर पौधों में डाल दें। नहाने के फौरी बाद आँखों में सुरमा लगाने से
नज़र कमज़ोर होती है। करेले की सब्ज़ी का पानी चेहरे पर लगा दो, 2 हफ्ते में आपका चेहरा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठकर घास पर नंगे पांव चल लिया करो। ब्लड प्रेशर के मरीज़ घी मत इस्तेमाल करें, ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठकर घास पर नंगे पांव चल लिया करो। आपके पांव में ताकत आ जाएगी और आपकी टांगें दुरुस्त होंगी और जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता है तो आप कभी भी पालक इस्तेमाल ना करें। पालक इस्तेमाल करने से मज़ीद सर का दर्द बढ़ सकता है। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर फिर भी आँखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाएं कि दिमाग कमज़ोर होने की निशानी है। अगर जिल्द स्याह हो जाए तो सोने से पहले लीमू का रस पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, इससे जिल्द का रंग साफ हो जाएगा। कच्चे अनार का जूस पीने से जिस्म की चर्बी कम होती है। आलू काटकर चेहरे पर मलें, इससे छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर होंगी। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पी लो, इससे जिस्म को बेपनाह ताकत मिलेगी। इसबगोल दूध में डालकर पीने से सर का दर्द ख़त्म होगा। भुने चने खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है। खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तेजाबियत का मसला नहीं होता। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आप सौंफ वाला कहवा इस्तेमाल करें। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म होगी। याद रखिए, कलेजी पाए और मग्ज़ में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दिल के और शुगर के मरीज़ कलेजी से परहेज़ करें। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा लेकर इसे साबित निकल जाओ, इससे जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेजाबियत का मसला नहीं होता। फालसे का जूस जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो इसके लिए नारियल का तेल जैतून के तेल में मिक्स करके हफ्ते में एक बार लगाएं और 1 घंटे बाद सर को धो लें। चंद हफ्तों में आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत होगा। जब भी थकावट और परेशानी हो तो अदरक वाली चाय पियो, आराम आ जाएगा। नमक से स्किन का मसाज करने से स्किन अंदर तक साफ हो जाती है और चेहरे पर रौनक आ जाएगी। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ करो वरना आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है और शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर होता है। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करवाएं। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होगा। जिनको शुगर का मर्ज हो उनको चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करवाएं। दोपहर के वक्त प्याज खाया करो, शाम के वक्त प्याज मत खाया करो। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। दांत टूट जाएं तो मसूड़े पर ठंडा शहद लगा दो और कुछ देर के लिए छोड़ दो। 2 दिनों के बाद नया दांत निकल आएगा। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होता है। मैदे की तेजाबियत को दूर करना है तो निहार मुँह दही खाएं। मौसम गर्मा की बेचैनी घबराहट दूर करनी है, इसके लिए सुबह निहार मुँह उठकर पपीता खाया करें। जो लोग ताज़ा हवा का इंतज़ाम करते हैं ना सिर्फ नींद अच्छी आती है बल्कि उनकी जहनी सलाहियत में भी बेहतरी आती है। जो दिल के मरीज़ हैं वो लोकार्ड का फल इस्तेमाल करें। बवासीर के मरीज़ों के लिए लोकार्ड का फल किसी नेमत से कम नहीं। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुँह दही खा लो। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट का दर्द हो या मैदा खराब हो तो नीम गर्म पानी में इसबगोल और थोड़ा सा नमक शामिल करके पी जाएं। कुछ ही मिनटों में अफाका होगा। जुम्मे वाले दिन सुबह को नाखून काट दिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलेगी। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत किया करें। आपको वजाहत खुद अपने घर में बेहतरी महसूस होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आ जाती है। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया करें, इससे वज़न में कमी आएगी।
ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। अपने दांत हमेशा ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुल्ली किया करो। घुटनों पर वज़न डालकर काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। तीन चीज़ें खाने से जिस्म की ताकत में इजाफा होता है, चने, गोश्त और खजूर। आँखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाए नज़र कमज़ोर होने लगी है। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कानों में फेरने से कानों में सीटियां बजना बंद हो जाती हैं। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत मजबूत और साफ रहते हैं। तिलों के तेल में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी लौट आती है। इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज भी ख़त्म हो जाएगी। गर्म चीज़ें खाने से दिल कमज़ोर होता है। जो पेशाब ज़्यादा देर कर रोके रखता है उसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाएंगे। 2 लीटर पानी में 2 लीमू निचोड़ कर सारा दिन इस्तेमाल करो, यूरिक एसिड की बीमारी से निजात मिल जाएगी। फटकड़ी के पानी में बेसन मिलाकर गैर जरूरी बालों पर लगाएं, खुश्क होने पर उतार दो, इससे गैर जरूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। खाने में ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियाँ बहुत जल्दी सुकड़ जाती हैं। केला कैंसर के मरीजों के लिए निहायत ही मुफीद है। लीमू का रस चूस लिया करें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान जादू टोने से महफूज रहता है। पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म हो जाती हैं। सीरी पाए दिमाग की ताकत का खजाना है। सांस की तकलीफ़ हो या एलर्जी हो तो अदरक वाली चाय जादुई तौर पर काम करती हैं। जौ और चने का आटा शुगर वाले मरीज़ खाएं, इससे उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। निहार मुँह आड़ू खा लिया करो, इससे आपकी याददाश्त तेज़ होगी। दांत पीले हो या दर्द हो तो अंगारे की बुनी हुई राख में कुछ नमक मिलाकर शामिल करें और दांतों पर लगाएं, इससे पीले दांत साफ हो जाएंगे। गोश्त खाने से पहले काला नमक चख लो, इससे गोश्त जल्दी हजम हो जाएगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई कर लिया करो, रिजक में बेतहाशा बरकत होगी। रोटी को हमेशा चबाकर खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती हैं और खूबसूरत हो जाती हैं। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, जिस्म में थकावट भी नहीं होगी। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको सुकून की और बेहतरीन नींद आएगी। कभी भी टेक लगाकर खाना ना खाओ, क्योंकि इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। गन्ने का रस पीने से आँखों में कशिश पैदा होती है। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो रोज़ाना अंगूर का इस्तेमाल किया करें। जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं वो लंबे अरसे तक जवान नज़र आते हैं। अगर घर में कोई दमा का मरीज़ हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो, मरीज़ शाफियाब हो जाएगा। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत होगा। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाने से 100 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है और बदन में ताकत पैदा होती है। खाली पेट कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। निहार मुँह गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। कच्ची हरी मिर्च खाने से बिनाई तेज़ होती है।
अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से फारिग हो लिया करें। लहसुन के रस में नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है और पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। सोने से पहले चहल कदमी करने की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होती। कच्चा दूध पिया करो, इससे रंग साफ होता है। हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो लौंग का इस्तेमाल करें। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। चावलों के उबले हुए पानी से अपना चेहरा धो लें, इससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैजा जैसी बीमारी से बिल्कुल महफूज रह सकते हैं। पेट में दर्द हो तो इस्बगोल का छिलका पानी में शामिल करके या फिर दूध में शामिल करके पी लिया करो, पेट के दर्द में आराम आ जाता है। अगर बाल कमज़ोर हों तो प्याज का रस निकालकर रोज़ाना रात को सोते वक्त सर पर लगाएं। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को कुव्वत देता है। ज़्यादा आम का जूस मत पिए क्योंकि इससे यूरिक एसिड की बीमारी हो सकती है। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला कर देती हैं। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। खाने के बाद मिसवाक कर लिया करो, कभी बदहजमी का मसला नहीं होगा। ये चीज़ें ज़ुबान को कड़वी लगने लग जाएं, तो समझ जाओ कि तुम्हारी उम्र कम होने लगी है। शक्कर, शहद, खजूर, ज़ुबान को कड़वी लगने लगे तो आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो रहे हैं। अगर मुंह और गला पक जाए तो एक दो दिन खुश्क धनिया चूसते रहा करें, इससे मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। सफ़ेद आटा मैदे के मसले बढ़ाता है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम आता है। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, आपकी बिनाई तेज़ हो जाएगी। ख़ारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाओ, इससे ख़ारिश दो दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ठंडा दूध सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मगर रात को पीने से परहेज़ करें। सोने से कबल सर में कंघा कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। प्याज खाने से मतली और पेट से जुड़े मसाइल नहीं होते। कलेजी का इस्तेमाल खून को साफ करता है। ज़्यादा परेशान होने से जिस्म में बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर मौसम बदलने के बाद ज़ुकाम का मसला हो जाए तो गोश्त का बचा हुआ शोरबा फौरन पी लें, इससे ठीक हो जाता है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा गर्म खाना खाओगे तो दिल और फेफड़ों को नुकसान होगा। मोटी औरत सोने से कबल नाव में लहसुन का एक कतरा डालकर सो जाया करे, इससे पेट की चर्बी का खात्मा हो जाएगा। रात के वक्त ठंडे पानी से गुसल करने से बदन कमज़ोर होता है। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि नींद की वजह से आप 10 साल पहले बूढ़े हो जाएंगे और आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। अगर खून की कमी है, बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं, तो इसके लिए रोज़ाना 3 से 4 दाने अंजीर के निहार मुँह खाओ। इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जोड़ों में दर्द या तकलीफ हो तो मछली पकाकर खा लें। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करने से चेहरा साफ होता है। सर्द मौसम में मछली पकाकर खाया करो, सर्दियों में सर्दी कम लगेगी। पेट की गैस से निजात चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरें खा लिया करो। हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश किया करो, दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सब्ज चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सांस की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना अंडे खाने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। जिस औरत को बांझपन की प्रॉब्लम हो, औलाद नहीं होती, तो वो अंडे खाया करे। अंडे खाने से इंसान के जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाती है। बारिश के मौसम में नीम के पत्ते जलाने से घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। अंडा और कच्चा दूध पीने से मैदे की तेजाबियत दूर होती है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है क्योंकि इनमें तमाम गजाई अज्जा निज़ाम मौजूद हैं। धूप की वजह से अगर आपका रंग काला हो जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस
दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इसे धूप से काला रंग साफ हो जाएगा। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने के फौरी बाद ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें, क्योंकि ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ठंडे कमरे में सोते हैं तो आपका वज़न भी कम होने लगता है, और जो इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है उसका वज़न कम होता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।